रहीम, आज हम लेकर आए हैं कीमे वाले समोसे जो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। इसके लिए ना हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। ये हमने एक प्याज ले लिया है, दो हमने हरी मिर्चें काट ली हैं, और ये हमने सूखा धनिया एक चम्मच ले लिया है, ये हमने ना सूखी मेथी ले ली है एक चमची, और ये ज़ीरा ले लिया है एक चमची, जो है ना हमने आधी चमची लिया है, काली मिर्चों की आधी चमची लिया है, गरम मसाला हमने एक चम्मच का लिया। ये हमने आधी चमची हल्दी की ली है, आधी चमची हमने मिर्चों की ली है, और ये अब हम ना इसको ना तैयार करेंगे कीमे को। इसके लिए ना सबसे पहले ना हमने ना ऑयल चाहिए, और ना एक कप एक बाचो बाचो जो करेंगे ना वो स्वीट कॉर्न का एक कप लिया है हमने। सबसे पहले हम इसमें ना प्याज डालेंगे, ये देखो प्याज को बस इतना ही करना है। अब इसमें ना हम दूसरी चीजें डाल देंगे, ये सारी चीजें अब इसमें डाल देंगे हम। मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, ये आधा चम्मच हमने नमक का डाला है, ये हमें ज़रूरत है आपने डालना है, अगर बाद में भी ज़रूरत पड़े तो फिर भी डाल सकते हैं, क्योंकि नमक सही होगा ना तो समोसे फिर सही बनते हैं। ये देखिए अब इसमें ना हम कीमा डाल देंगे, ये आधा किलो कीमा है। हाँ ये पकेगा कीमा, अभी इसका पानी निकलेगा वो खुश्क होगा, फिर उसमें हम स्वीट कॉर्न डालेंगे। अब इसमें ना स्वीट कॉर्न हम डाल देंगे, ये एक और स्वीट कॉर्न भूले हुए, ये अच्छी तरह भूल जाएंगे। ये देखिए हमारा कीमा रेडी हो गया है, अच्छी तरह भून लिया है, और अब हम ना इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। नमक इसका चेक कर लें, नमक सही हो तो फिर चीज़ का मज़ा आता है। नमक ठीक है, ये अब इसको ठंडा हो जाएगा ना, फिर जब ना समोसों का आटा तैयार हो जाएगा तो फिर हम ना बनाएंगे। ये हमने ना 4 कप मैदे के लिए है, इसमें आधा चम्मच हमने जीरे का डाला है और आधा ही चम्मच हमने नमक का डाला है, और ये चार चार चम्मच हमने ऑयल के लिए है।
ये थोड़ा सा पहले डालेंगे, इसको ना अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया कि आटा जो है ना वो आपको कैसे लगना चाहिए समोसों का, फिर समोसे अच्छे बनते हैं। ये देखें इसकी सारी ना डलियाँ डलियाँ सी बन गई हैं, ये देखें। अब ये गून गए पानी के साथ ना, हम इसको गून लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालना, ज़्यादा नहीं डालना, सख्त सा आटा गूंदना, नरम नहीं गूंदना। आटा गूंदना है फिर आपके समोसे बनेंगे सही। ये अब हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए 15 मिनट के लिए इसको ढाप के रख देंगे। आटा लिया, इसका हम पेड़ा बनाएंगे। इसको ऐसे करके इकट्ठा करके ना बनाएंगे, क्योंकि आटा सख्त है ना, फिर पेड़ा से ही बनेगा ऐसे करके। तो फिर इसको ऐसे कर दें, ये देखें, ये ये देखिए हमारी रोटी अब तैयार हो गई है। ऐसी ये रोटी भी हम ऐसे ही बनाएंगे। इसको ना अब हम काट के ना, ये देखिए दरमियान से काट के देंगे ऐसे, ये ना पानी लगाएंगे, क्योंकि ना ये जरा आटा ना रोटी ना जरा मोटी रखते हैं। ये देखिए इसको ना हाथ से डिप कर लेना है आपने, ताकि ना एक दूसरे के साथ चिपक जाए अच्छी तरह। पानी तो लगा हुआ है, ये देखें इसके अंदर ना हम ना ये कीमा जो बनाया हुआ ना वो भरेंगे। ये देखें ऐसे करके ना तकरीबन 1 इंच हम ना कीमे को दबा के ना नीचे कर लेंगे। उसके बाद ना ये पानी लगाएंगे हम, शेडों में सारा पानी लगा के ना इसको ना जोड़ लेंगे। ये देखें इधर से भी और इधर से भी ऐसे कर देंगे। ये हमारा समोसा तैयार हो गया।
ये देखें अच्छी तरह चिपक गया ना एक दूसरे के साथ। ये इसकी चूंच भी ऐसे कर लें तो ये देखें समोसा तैयार हो गया। इसी तरह हम सारे समोसे बनाएंगे। ये देखिए पानी लग गया, ये इसको ना ऐसे एक दूसरे के साथ ना ये अंदर से दिखा रही हूँ मैं आपको। देखिए ये इसकी चोंच भी बन गई है ताकि ना परफेक्ट समोसे बने आपके, और इसमें अब कीमा बनेगा। ये इसको ना डिप कर देंगे ताकि ना अंदर चला जाए। फिर इसके ऊपर पानी फिर लगा लेंगे। ये देखिए ये ये देखें ये देखें दो उंगलियों के नीचे ना कीमा है ताकि ना आप बनाएं तो आपको फिर अंदाजा रहे। ये दूसरा समोसा भी तैयार। इसी तरह हम सारे समोसे तैयार कर लेंगे। ये हमारे समोसे ना तैयार हो गए हैं, अब हम इनको तलेंगे और घर में ऐसे ही समोसे बनाए और कितने टेस्टी बनेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब हमने तेल गरम कर लिया, इसमें हम ना समोसे फ्राई करेंगे। ये हमारे समोसे तैयार हो गए हैं, अब इनको ना ये इनको ना चटनी के साथ खाएं बड़े ही मज़ा आएगा। ये देखें अब मैं आपको ना बहुत गर्म है ये देखें ये हमारा समोसा अंदर से कितना अच्छा रेडी हुआ है। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं। अब हम मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ।